हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं और घर में रहकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और आप लोगों की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आई एम श्योर कि आप लोगों को और भी फैकल्टीज़ के वीडियोस मिल रहे हैं जिन्हें आप स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस किया था कि ये एक अच्छा टाइम है ताकि हम अपनी और स्किल्स को डेवलप कर सकें और कुछ नया सीख सकें। सो एनीवे, तो इन द सेम प्रोसेस, अगर आप लोगों को कोई नई चीज़ सीखनी है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर जो हमारे सिलेबस में है या सिलेबस में नहीं भी है, तो आप ग्रुप में बात कर सकते हैं या उसमें ही, या मेरा नंबर है वहाँ से सेव करके मुझे पर्सनल मैसेज बॉक्स में भी आकर मुझसे कोई भी सवाल या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। सो यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर एनी क्वेरी और द सजेशन और द फीडबैक दैट यू हैव फॉर मी। ओके, सो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक एंड कम्युनिकेशन, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट था, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि आप सभी लोगों ने वीडियो देखा है और उसको जो भी समझाया था वो आप सभी लोगों की मतलब आप लोग सबको बेहतर तरीके से समझ पाया। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज डालिए। मेरे पास बहुत कम लोगों के मैसेज आए जिन्होंने मुझसे कुछ सवाल वगैरह पूछे। एनीवे, तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग थोड़ा अपनी इंक्वायरीज वगैरह को बढ़ाएंगे। और घर पर अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप अपने सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अल्टीमेटली मैं आपको कितना भी थ्योरिकली कोई सी भी चीज़ समझा दूँ, जब तक आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे, उस चीज़ को प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, तब तक वो आपके बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से आपको नहीं आ पाएगा। तो ये जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं जितने भी, ये सारे प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करते हैं। और आई एम श्योर कि आप सभी लोग मेहनत करेंगे और इस बार थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करेंगे। एक हमारा यूनिट है जो कि थ्योरिकली है बेसिकली, उसे हम आज डिस्कस करते हैं। यूनिट फॉर इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया की डेफिनेशन क्या है, वो हम इस यूनिट में अभी, इसमें फर्स्ट सेक्शन हमारा यही है, डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। ओके, सो मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया बेसिकली दो वर्ड से बना हुआ वर्ड है, मल्टी प्लस मीडिया। मल्टी का मतलब वेरियस होता है, मीडिया प्लूरल वर्ड है मीडियम का या सोर्सेस का। तो मल्टीमीडिया बेसिकली एक कॉम्बाइन है जिसमें कि हमें पता चलता है कि वेरियस सोर्सेस के बारे में, जहाँ पर भी हम बेसिकली मल्टीमीडिया से जो चीज़ हम समझते हैं वो ये है कि जब भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को या कोई भी एंटरटेनिंग चीज़ हो, एक मल्टीमीडिया फाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इमेज फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, एनिमेशन फॉर्म में, स्टिल इमेजेस के फॉर्म में, तो वो हमारा एक मल्टीमीडिया कहलाता है बेसिकली। और ये काफ़ी सारी चीज़ों में, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ होता है। प्रिंट मीडिया में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यूज़ होता है, एंटरटेनमेंट में यूज़ होता है, बिजनेस में यूज़ होता है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में हमारे ये मल्टीमीडिया आज के टाइम में बहुत यूज़फुल है, काफ़ी काम कर रहा है। और ये बेसिकली जो भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जो हमने यूज़ करे हैं, जैसे फोटोशॉप हो जाता है या जो हमारा क्वार्क एक्सप्रेस है या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं या ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारे ही एसेंशियल पार्ट्स हैं हमारे मल्टीमीडिया के, जिसमें कि हम काम करते हैं और अपनी फाइल्स को जनरेट करते हैं। ये फाइल्स किसी भी तरह की हो सकती हैं, ये टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकती हैं, ये ऑडियो फाइल्स भी हो सकती हैं, ये वीडियो फाइल्स भी हो सकती हैं, ये बैनर्स टाइप के भी हो सकते हैं, ये पोस्टर्स टाइप के भी हो सकते हैं, किसी भी तरह की फाइल जो कि हमारी किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, किसी इंफॉर्मेशन वे में या किसी भी एंटरटेनिंग वे में या किसी भी बिजनेस पर्पज़ के वे में या किसी भी एडवर्टाइजमेंट के वे में, वो हमारी मल्टीमीडिया का पार्ट होता है, वो हमारा मल्टीमीडिया ही बेसिकली कहलाता है। ओके, सो ये तो थी हमारी जानकारी जो भी हम मल्टीमीडिया से हम लोग क्या समझते हैं, क्या चीज़ है। इसके बाद होता है एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया क्या चीज़ है? बेसिकली वो सारी चीज़ें जो हम मल्टीमीडिया में यूज़ करते हैं जिनको, और उन्हीं की बेस पर हम वो चीज़ उनका एक मल्टीमीडिया की फाइल का हम आउटपुट लेते हैं।
या कोई भी हमारे पर्पस जो डिज़ायर्ड हमारे पास आउटपुट है, हम उस चीज़ को बनाते हैं, उसमें किन किन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे, इसके बेसिकली मल्टीमीडिया के 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन एंड वीडियो, ऑडियो। 5 हमारे पास ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। टेक्स्ट, टेक्स्ट का इस्तेमाल क्या होता है, आपने देखा होगा काफ़ी सारी जगहों पर जिसमें कि हम टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़पेपर में जो भी हमारे एडवर्टीजमेंट या कोई भी एक इन्फॉर्मेशन वे में या कोई सी भी चीज़, हम जो भी चीज़ प्रिंट करते हैं तो वो टेक्स्ट फॉर्म में जाती है। टेक्स्ट के साथ उसमें इमेज फॉर्म भी होता है, जो कि इमेज फॉर्म हम नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है, ग्राफिक्स या इमेज, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी टेक्स्ट के बारे में कर रहे हैं। तो टेक्स्ट में क्या होता है, बेसिकली हम किसी भी चीज़ को हाईलाइट करते हैं, किसी भी चीज़ को बड़ा करते हैं, बोल्ड करते हैं, या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को हम डिटेल में उसमें जाके बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या 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 चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है। कोई भी एक इन्फॉर्मेशन जो भी हमारा पर्पज़ है, चाहे अगर हमारा कोई इन्फॉर्मेशन वे में पर्पज़ है तो हम उसमें इन्फॉर्मेशन वगैरह करते हैं कि क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, या फिर अगर कोई हमारा एडवर्टाइजमेंट है तो हम उसमें बताते हैं कि ये क्या हम डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या ऑफर दे रहे हैं, क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या सर्विस दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें जाकर हाईलाइट करते हैं टेक्स्ट के थ्रू। या फिर आपने देखा होगा कि जो बैनर्स वगैरह होते हैं या पोस्टर्स होते हैं तो उसमें भी हम टेक्स्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक हमारा वन ऑफ द की एलिमेंट होता है मल्टीमीडिया का, जिसमें हम टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, और टेक्स्ट हमारा एक एसेंशियल पार्ट है मल्टीमीडिया का। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्राफिक्स और स्टिल इमेजेस। ग्राफिक्स और स्टिल इमेजेस जो हमारे पास, ये हमारा मल्टीमीडिया का की पार्ट है, की हमारा एलिमेंट होता है। मोस्ट ऑफ द चीज़ों में हम ग्राफिक्स का ही यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी, चाहे वो स्टिल हो या एनिमेटेड हो, बहरहाल उसमें ग्राफिक्स का होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हम ज़्यादातर जगहों पर ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों चीज़ों में ही यूज़ होता है, प्रिंट में भी और इलेक्ट्रॉनिक में भी। प्रिंट में इन द सेंस के अगर हमने कोई, फॉर एग्जाम्पल हमने एडवर्टाइजमेंट बनाया, जो कि हमने शायद क्वार्क एक्सप्रेस में बनाया भी था, तो वहाँ पर हमने कोई भी एक इमेज ली, और इमेज लेने के बाद उसके बाद उसमें टेक्स्ट करा और पूरा एक एडवर्टाइजमेंट बनाया, हमने पूरा एक ऐड बनाया, तो उसमें जो भी अब हमने जो इमेज ली वो हमने अपने ऐड के अकॉर्डिंग ली, या अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग ली, और उसमें हमने एक थीम वे में वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी, उसका बैकग्राउंड लिया, उसका इमेज लिया, उसका टेक्स्ट लिया, हाईलाइट कराया, कहाँ पर इंडिकेट करा, कहाँ पर हमें यूज़र का फोकस कराना है, कहाँ पर नहीं कराना है, वो सारी चीज़ें हमने उसमें मेंशन की थी, और उसी की बेस पर एक हमारे पास एक बहुत अच्छा आउटपुट निकल कर आता था, और उस आउटपुट को ही हमारा जो है, हम अपना जो भी हमारा जो डिज़ायर्ड एक्शन था, जो भी मोटिव था, हम उसे हम उसको यूज़ करते थे उस ऐड के थ्रू। चाहे अगर हमारे पास कोई सेल है या कोई भी किसी भी तरह की कोई सी भी जानकारी है तो हम उसे हाईलाइट कराते थे। तो ग्राफिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ये डिजिटल में भी यूज़ होता है, जो भी एनिमेटेड चीज़ें आप देखते हैं तो पहले इमेज ही बनती है, बाद में उनको एनिमेशन रूप में मूव किया जाता है। ओके, तो ये ग्राफिक हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट की एलिमेंट है हमारा मल्टीमीडिया का, जो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है एनिमेशन। एनिमेशन आपने देखा होगा काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे 2D या 3D, जो हमारे पास 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में हमारे पास इमेजेस होती हैं, या एक मूविंग एलिमेंट्स होते हैं एनिमेशन, जो कि आपके मतलब ग्राफिक्स में ड्रॉ किए हुए होते हैं, बट वो मूव कर रहे होते हैं, तो वो हमारी एनिमेशन वीडियोज़ कहलाती हैं, जो कि मल्टीमीडिया का एक पार्ट है, जिसे हम ज़्यादा जगहों पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, या फिर न्यूज़ हमारे पास मीडिया एजेंसी में भी हम काफ़ी सारे कार्टूनिस्ट जो भी हमारे पास प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे इंडिया टुडे के काफ़ी एनिमेटेड जो शॉर्ट क्लिप्स होती हैं वो बहुत फेमस है, काफ़ी लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, उसमें एक सरकैज़म का यूज़ करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल वे में हो, चाहे बिजनेस वे में हो, चाहे किसी भी तरह से हो, वो एक पूरी चीज़ को एक थीम के ऊपर काम करता है, और एक थीम को ही एक डिफाइन करता है अपने एनिमेशन के थ्रू, कि उसमें एक जो क्रिएटर है वो क्या कहना चाह रहा है, क्या चीज़ को बताना चाह रहा है, उसका माध्यम, उसका मकसद क्या है उस चीज़ के लिए। तो
वो सारा जो हमारे पास जो हम चीज़ को यूज़ करते हैं वो पूरा एनिमेशन के थ्रू यूज़ करते हैं, और ये पूरा मल्टीमीडिया का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, ठीक है, और ये हमारी डिजिटल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है ऑडियो। ऑडियो हमारा मल्टीमीडिया का भी एक अगेन एक बहुत एसेंशियल पार्ट है। अगर हमारे पास कोई वीडियो है तो उसमें हमें किसी भी, आपने देखा होगा काफ़ी सारी मूवीज़ होती हैं जिसमें कि नरेशन होती है बैकग्राउंड से, तो वो एक ऑडियो का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें पूरी एक नरेशन दी जाती है। हालांकि उसमें वीडियो में आगे मतलब मूवीज़ में या वीडियो में अपने आप में कोई सी भी चीज़ चलती है, बट उसका जो प्रीवियस प्लॉट है या कोई भी एक सिचुएशन है या कंडीशन है किसी भी चीज़ को बताया जाता है तो पूरा एक नरेट किया जाता है ऑडियो के थ्रू, तो वो एक हमारा मल्टीमीडिया का एसेंशियल पार्ट हो जाता है। ये ऑडियो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए क्योंकि जब भी हम कोई एनिमेशन या कोई मल्टीमीडिया बनाते हैं की फाइल बनाते हैं या कोई भी एक ऐसा इस तरह की वीडियो बनाते हैं तो उसमें ऑडियो का होने से वो चीज़ समझनी बहुत आसान हो जाती है और लोगों को कम्युनिकेट भी करती है, ताकि जो जैसे हम यहाँ पर इंडियंस हैं तो हमारे पास अगर कोई भी लैंग्वेज हमारे पास हिंदी में हमने कोई एनिमेशन बनाई है तो वो हम बहुत जल्दी सी समझ पाएंगे, और अगर वही हम बिना किसी लैंग्वेज के बनाएंगे तो वो थोड़ा सा हमारे समझने में टफ रहेगी, ओके, या फिर अगर हम अदर लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो हो सकता है हमें वो और ज़्यादा टफ महसूस हो। तो ये एक पूरा एक ऑडियो का एक मतलब हमारा एक एसेंशियल पार्ट है एलिमेंट्स का, जो कि नरेट करता है। काफ़ी सारी फाइल्स ऐसी होती हैं जो जिसमें वीडियो ही नहीं होता है, बस ऑडियो ही होती है, हमारे ऑडियो फाइल्स होती हैं, जैसे कि हम जैसे आपने देखा होगा कि रेडियो में हमारे पास रेडियो, तो रेडियो में कुछ हमें दिखाई नहीं देता बट सुनाई देता है, जो कि हमारे ऑडियो के थ्रू हमारे पास हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम उसे जुड़े हुए हैं, वो भी एक हमारा मल्टीमीडिया का ही पार्ट है, जिसमें कि हमें गाने सुनने को मिल रहे हैं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन सुनने को मिल रही है, हमारे पास और भी काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट है वो भी हम वहाँ से ऑडियो के थ्रू सुनते हैं, तो पूरा एक ऑडियो जो है पूरा एक हमारा एक इफ़ेक्टिव मल्टीमीडिया का पार्ट है, जो कि हमें काफ़ी हेल्प करता है किसी भी चीज़ को समझने में, किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुँचाने में, किसी भी चीज़ की ब्रांडिंग करने में, किसी भी चीज़ को और ज़्यादा फैलाने में, तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है जो कि लास्ट भी है, हमारा फिफ्थ एलिमेंट वीडियो। तो वीडियो बेसिकली जैसा कि अभी हमने बात करी कि जब भी हम कोई सी भी चीज़ समझते हैं, फॉर एग्जांपल हम एप्पल की बात करते हैं, जब भी हम एप्पल करते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं मतलब बैक ऑफ द माइंड एक हमारे पास एक एप्पल की इमेज विजिबल होती है। तो ये सारी ये जो एक सेंस होता है ये किसी भी चीज़ को समझने के लिए, उस चीज़ को पहचानने के लिए बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी मतलब कम्युनिकेट करता है किसी भी यूज़र के साथ, किसी भी क्रिएटर का। तो वीडियो जो होता है, वीडियो भी एक सेम उसी वे में काम करता है। अगर कोई क्रिएटर कोई भी किसी भी चीज़ को, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई किसी भी चीज़ को आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, आपको बताना चाहता है, तो वो वीडियो का इस्तेमाल करता है, तो वो आपको ऑडियो टेक्स्ट या किसी और चीज़ की कंपैरिजन में बहुत जल्दी समझ में आएगी। वीडियो में पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ है, एक्चुअल में वो क्या चीज़ है। अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई नई, फॉर एग्जांपल कोई नया प्रोडक्ट है मार्केट में लॉन्च करना है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, तो अगर हम उसका वीडियो एक लॉन्च करेंगे तो वो बेहतर समझ में आ पाएगा हमारे कि वो क्या चीज़ है, उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका क्या बेहतर मतलब किस तरह से वो हमारी लाइफ में और बेहतर हमारी लाइफ को और बेहतर बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वीडियो के थ्रू हम करते हैं। जो वीडियो एक हमारे पास वन ऑफ द की एलिमेंट होता है मल्टीमीडिया का, जिससे कि बहुत ज़्यादा इजीली समझ में आते, बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। ऑडियो प्लस वीडियो दोनों मिलके अगर काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन आउटपुट आता है, बहुत जल्दी कम्युनिकेट करते हैं। तो ये कुछ हमारे एलिमेंट्स थे, बेसिकली 5 तरह के एलिमेंट्स होते हैं मल्टीमीडिया के, काफ़ी ईजी है, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो। आई होप आप सभी लोग इस चीज़ को मतलब ये बहुत इजी सा पार्ट है, तो इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास इसी में ही ऑप्शन है, एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ओके, कौन कौन सी एप्लीकेशन में हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं या कर सकते हैं, या किसमें हम ये हमारे लिए यूज़फुल रहता है, किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली
काफ़ी बेसिक सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, सभी लोगों को मालूम होता है एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं। तो जो भी प्रिंट की या इलेक्ट्रॉनिक की हमारे पास एप्लीकेशन है, सभी में मल्टीमीडिया का यूज़ हो रहा है। और जैसा कि अभी बताया गया है कि मल्टीमीडिया के काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट है, एनिमेशन है, ग्राफिक्स है, ऑडियो है, वीडियो, तो जितने भी तरह के एलिमेंट्स हैं उनके हिसाब से उन्हीं को उन्हीं एलिमेंट्स का यूज़ करके उन्हीं एप्लीकेशंस में हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया की, प्रिंट मीडिया में फॉर एग्जांपल हमारे पास बुक्स हैं, बुक्स आती हैं, तो ये हमारे पास हमारी प्रिंट मीडिया का एक बहुत एसेंशियल पार्ट होता है। काफ़ी सारी हमने बुक्स ऐसी देखी होंगी जो कि एक इन्फॉर्मेशन वे में हमारे साथ हमारे पास काम करती हैं, या किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी किसी तरह की कोई भी एक छोटी सी बुक पब्लिश कराती है, वो लोगों को सर्कुलेट करते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो सके। तो उसमें बेसिकली हम दो तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक टेक्स्ट और एक इमेज, दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाती है। ओके, तो ये हमारे पास जो हमारी प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया में हमारे पास जो बुक्स एप्लीकेशन है उसमें हमारे पास मल्टीमीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, तो ये किसी भी इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए। या फिर हमारे पास पोस्टर्स, जो कि अगेन हमारी एक प्रिंट मीडिया का बहुत पुराना और बहुत ही कामयाब एप्लीकेशन होता है, जिसमें कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी पोस्टर में किसी भी चीज़ को, किसी भी इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं, उसमें बताते हैं कि ये चीज़ क्या है, कैसे है। फॉर एग्जांपल मूवीज़ के बारे में बात करते हैं, तो पहले आपने देखा होगा कि पोस्टर्स वगैरह बना करते थे, छपा करते थे, जिसमें कि उसमें मूवीज़ का नाम होता था, उसकी डेट होती थी, कब रिलीज़ हो रही है, कब नहीं हो रही है, ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग इन दिस। तो ये सारी चीज़ें हम पोस्टर्स में मेंशन करते हैं कि इसमें अगेन हमारे पास टेक्स्ट प्लस इमेज या ग्राफिक्स का ही यूज़ होता है। ओके, तो ये इस एप्लीकेशन में हम काम करते हैं। न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया का एक मतलब मेन पिलर है, जिसमें कि हम काफ़ी सारी ग्राफिक्स को यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी क्या कहते हैं टेक्स्ट को इमेज यूज़ करते हैं, उसमें किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट होता है, या क्लासिफाइड्स हो सकते हैं, या मैट्रिमोनियल्स का हो सकता है, या किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरह की कोई सी भी जानकारी है जो कि हमारी मल्टीमीडिया से रिलेट करती है, जो हम रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तो वो सारी चीज़ें हम उसमें प्रिंट मीडिया का न्यूज़पेपर में यूज़ करते हैं। न्यूज़लेटर्स आपने देखे होंगे आजकल काफ़ी, अब तो खैर डिजिटल हो गए हैं न्यूज़लेटर्स वगैरह, तो ये भी हमारे पास, इसमें भी हम अपने टेक्स्ट और इमेज को या ग्राफिक्स को यूज़ करते हैं, बट इसमें हम अगर ये डिजिटल वे में हम काम कर रहे हैं या किसी भी तरह की कोई ऑनलाइन हम न्यूज़ लेटर्स वगैरह भेज रहे हैं, तो हो सकता है कि हम उसमें थोड़ा सा कुछ ग्राफिक्स वगैरह ईमेल में या किसी भी तरह की इस तरह की फाइल वगैरह बना के हम उसे एनिमेशन भी थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, तो इसमें हमारा एक थर्ड एलिमेंट और ऐड ऑन हो जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारी मैगजीन मतलब प्योर मल्टीमीडिया का पार्ट ही होता है, ठीक है, काफ़ी सारी इमेज वगैरह यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट वगैरह की यूज़ करते हैं, पब्लिश करते हैं, और उसमें सारी चीज़ें हमारे पास, ये हमारे मल्टीमीडिया की जो भी हमारे आउटपुट्स होते हैं वो सारे का सारे हम उसमें मैगजीन में यूज़ करते हैं। बैनर्स आपने देखो, बैनर्स दो तरह से बैनर्स होते हैं बेसिकली, एक तो जो हमारे पास लोकल ऑफलाइन प्रिंटिंग का बैनर्स होता है, और एक हमारे पास डिजिटल का बैनर होते हैं, जो कि आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स वगैरह पर देखा होगा, या न्यूज़ की वेबसाइट्स पर अगर आप शायद आपको याद हो आप जाते हैं, तो उसमें जाकर आपको देखता होगा काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट्स के बैनर्स मिलते हैं, या किसी भी तरह की कोई हाईलाइटेड चीज़ होती है, किसी भी तरह की कोई ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप की कोई इस तरह की चीज़ आ रही है जो कि हाल फिलहाल में है, या कोई भी न्यूज़ एंड डॉट है, तो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ जो बैनर्स के थ्रू हम हाईलाइट कराते हैं, वो भी एक मल्टीमीडिया का ही पार्ट है, और डिजिटल और ऑफलाइन या प्रिंटिंग मीडियम हम दोनों चीज़ों में यूज़ करते हैं। बिलबोर्ड्स भी एक तरह से हमारा एक प्रिंटिंग मीडिया का ही पार्ट है, आपने देखा होगा जैसे हम रास्ते में जाते हैं या हाईवेज पे जाते हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े होर्डिंग्स या बैनर्स लगे होते हैं, तो सारे वो बिलबोर्ड्स ही होते हैं, जिसमें किसी भी चीज़ के लिए किसी भी तरह की कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सेल, कोई ऑफर, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ किस तरह की जानकारी होती है, और वो सारी या तो गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती है, या किसी बिजनेसमैन की तरफ से हो सकती है, या
किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो वो सारी उसमें वो सब भी एक मल्टीमीडिया का ही पार्ट है जो कि उस एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं बिलबोर्ड्स में। और उसमें हम टेक्स्ट का और इमेजेस का ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। आजकल काफ़ी सारे डिजिटलाइज बिलबोर्ड्स भी आ रहे हैं जिसमें कि कोई भी चीज़ कोई भी एनिमेशन टाइप की मूव करती हुई दिखती है, तो वो भी आजकल अपग्रेडेड वर्जन है बिलबोर्ड्स का, तो काफ़ी अच्छा एलिमेंट्स के लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है, काफ़ी मतलब डायरेक्ट इफेक्ट करता है यूज़र पे किसी भी चीज़ के लिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी ब्रोशर्स। यस, ब्रोशर्स काफ़ी सारी जो कंपनीज वगैरह छपवाती हैं जिसमें कि किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी है किसी भी तरह का, तो ये भी एक एसेंशियल पार्ट है हमारे मल्टीमीडिया का। फ्लायर्स, ये भी अगेन उसी तरह का ही प्रिंट मीडिया में ही आ जाता है, ये भी एक एसेंशियल पार्ट है। रेडियो जैसे कि अभी हमने बात की थी एलिमेंट्स की, तो उसमें एक हमारे पास पार्ट था ऑडियो का। रेडियो एक मल्टीमीडिया का मतलब एक अभिन्न अंग है जिसमें कि हम सिर्फ ऑडियो का ही यूज़ करके हम उसे किसी भी यूज़र को एंटरटेन कर सकते हैं, किसी भी यूज़र को हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं, किसी भी न्यूज़ के बारे में बता सकते हैं, देश के बारे में कोई भी चीज़ के बारे में, किसी भी हालात के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि आजकल कोरोना के बारे में चल रहा है, तो आपने देखा होगा अगर आप रेडियो वगैरह सुन रहे हैं तो हर थोड़ी 15-20 मिनट के बाद कोई एक एडवर्टाइजमेंट सरकार की तरफ से इस तरह से आता है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, या हाथों को बार बार धोएं। काफ़ी सारे मैसेज वगैरह पास ऑन होते हैं उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से दिशा निर्देश किए गए हैं, तो ये सब एक यूज़र को किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में बताने के लिए, उन्हें समझाने के लिए ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और ये रेडियो हमारे पास एक डिजिटल है हमारे पास, बट ये काफ़ी अच्छा माध्यम है जो कि हमारे प्रिंट डिजिटल मीडिया में यूज़ होता है, और इसके थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ों को पास ऑन करते हैं, इवन एंटरटेनमेंट का भी हम इसका यूज़ करते हैं। टीवी अगेन, ये तो खैर मेन ही पार्ट है, तो नाम से ही समझ में आ जाता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास वीडियो के थ्रू, ऑडियो वीडियो कॉम्बिनेशन के थ्रू हम करते हैं। इसमें लगभग सभी तरह के एलिमेंट्स यूज होते हैं जो कि एक मल्टीमीडिया के होते हैं। इसमें टेक्स्ट भी यूज़ हो जाता है, जो आपने देखा होगा न्यूज़ में काफ़ी सारे नीचे जो स्ट्रिप वगैरह चलती रहती हैं, तो उसमें कुछ न्यूज़ वगैरह मतलब एक मार्क्यू में चलती रहती हैं, और आप जो एक वीडियो चल रहा है वो साथ साथ चलता है, तो दोनों साइमल्टेनियसली काम करते रहते हैं। टेक्स्ट भी चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही है नीचे स्ट्रिप्स में, और ऊपर एक बंदा न्यूज़ वगैरह भी मतलब रीड कर रहे हैं, ताकि वो सब चीज़ें बता रहे हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ इस तरह से है, तो वो सारी चीज़ें होती है। ग्राफिक्स का भी यूज़ होता है, और ऑडियो का तो यूज़ हो ही रहा है, एनिमेशन का यूज़ होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लगभग सारी तरह के जितने भी हमारे पास एनिमेशन होते हैं, आई मीन मल्टीमीडिया के पार्ट्स होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स हम टीवी में